हाय, मेरा नाम दीपांशु है. मैं तीन चार चीज़ें इस सेशन में कवर करना चाहता हूँ. फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. आप क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हैं टू सेटअप योर बिजनेस, वेदर इट हैज, क्या वो कंपनी होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, पार्टनरशिप होगी, LLP होगी. आप लोगों में से बहुत सब ने ये बिजनेस स्टडीज़ वगैरह में पढ़ा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटिटीज़ कौन सी होती हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी. तो आई जस्ट गो थ्रू देम इन वेरी ब्रीफ. मैं बहुत कम समय लेकर आपको समझाना चाहूँगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के, इन सब के फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं. तो सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब बेसिकली ये है कि एक ही व्यक्ति उसको स्टार्ट करता है, वही अपनी पूरी पैसे लगाकर उसके अंदर इन्वेस्ट करता है, उससे बिजनेस स्टार्ट करता है. ये सबसे सिंपल फॉर्म है बिजनेस स्टार्ट करने का. इसके अंदर आपको कहीं पे रजिस्टर नहीं कराना पड़ता है अपने आप को, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में, किसी लॉ के अंदर आपको अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना पड़ता है टू स्टार्ट दिस बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर. दैट सेट दिस इज उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है दैट इट्स वेरी ईजी टू स्टार्ट. आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं चाहे वो किसी भी टाइप का हो. फिर उसके अंदर आपको इसके फिर फायदे ये हैं दैट कंसिडरिंग आप ही पूरा अपना पैसा इसमें लगा रहे हैं एंड आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, यू आर इन टोटल कंट्रोल. यू डोंट हैव टू सीक परमिशन ऑफ एनीवन टू डू सर्टेन थिंग्स और नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स, जो आपको मैं आगे बताऊंगा डिफरेंट पार्टनरशिप्स में या कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है या इशू आता है. देन द सेकेंड पॉइंट ओवर देयर इज दैट जो आपका प्रॉफिट आता है या जो आपकी इनकम आती है उस बिजनेस से, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे उसको यूज़ करना है. आपको अपने पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ करना है बिकॉज आपने पैसा लगाया है, तो आप चाहेंगे कि थोड़ा पैसा आप अपने लिए भी यूज़ कर सकें बिकॉज वही आपकी सोर्स ऑफ इनकम है. यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर एल्स, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. यू कैन डिसाइड कि नहीं, आपको बिजनेस बढ़ाना है, तो आप वो पूरा पैसा कंपनी, पूरा पैसा अपने बिजनेस में लगा सकते हैं. सो दैट इज़ वन थिंग. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इसके अंदर द कंप्लाइंसेज एंड द कॉस्ट टू सेटअप एंड टू मेंटेन आर वेरी वेरी लो. इसके अंदर आपका खर्चा बहुत कम आता है. लास्ट इज दैट टैक्स ओनली ऑन पर्सनल इनकम, सो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड द बिजनेस. लाइक आप, लाइक उस व्यक्ति और उसके बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो जो भी जमा पूंजी आप लगाते हो और उससे जो इनकम आती है उस पर टैक्स होता है. सो देर आर, इट डजेंट, मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा कि कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी के जो इनकम होती है उस पर टैक्स अलग से लगता है, और कंपनी के आप ओनर हो और अगर उसमें आप काम कर रहे हो तो आपकी इनकम पे टैक्स अलग से लगता है. वो इसमें नहीं होता है, इसमें एक ही लेवल पे टैक्स लगता है आपका. नेक्स्ट इज, ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. फर्स्ट इज दैट आप कंसिडरिंग कि पूरा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, पूरा पैसा आपने अपना लगा रखा है, तो इसके अंदर आपकी लाइबिलिटी भी बहुत अनलिमिटेड होती है. इन अदर वर्ड्स, अगर आपने किसी से सामान खरीदा है क्रेडिट पे और आपको उसको पैसे देने हैं, तो उसके अंदर उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने बिजनेस को, आपके बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, बट आपकी जेब से वो आपसे पैसा ले सकता है. ही कैन एक्चुअली लिटरली फाइल अ केस अगेंस्ट यू एंड टेक द मनी फ्रॉम यू, बिकॉज आपके अंदर और आपके बिजनेस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो ये फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट इज दैट कंसिडरिंग दिस बिजनेस इज मैनेज बाय वन पर्सन ओनली एंड देर आर नो अदर पीपल टू मैनेज इट एंड ऑल, सो द बिजनेस की लाइफ होती है टेक्निकली. जब यू गाइज मस्ट हैव लर्न्ड इन योर बिजनेस स्टडीज एंड ऑल की बिजनेस इज समथिंग दैट इज सपोज टू बी डन ओवर एंड ओवर अगेन पीरियड ऑफ टाइम, राइट. बट सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉब्लम यह है दैट कंसिडरिंग एक व्यक्ति उसे स्टार्ट करता है, तो अगर इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू डू द बिजनेस, या उसकी डेथ हो जाती है या कोई और रीज़न के वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, देन द बिजनेस कैन ऑल्सो नॉट कंटिन्यू. द बिजनेस ऑल्सो स्टैंड स्टिल एंड द बिजनेस ऑल्सो टर्मिनेटेड. एंड द लास्ट इशू इज़ दैट आजकल जैसे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, दो दिन पहले, तीन दिन पहले, पेटीएम के एम्प्लॉयज़ ने ईसॉप के अंदर दे वो मिलियनेयर बने हैं, एंड लाइक किसी ने 20 मिलियन कमाया है, किसी ने करोड़ों कमाए हैं. तो वो इशू इसके अंदर ये आता है आजकल, एवरीवन, हर एम्प्लॉय को होता है कि मेरा कंपनी में स्टेक होना चाहिए, कंपनी को मुझे शेयर्स देने चाहिए. वो चीज़ आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं हो सकती है. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस जो बहुत सिंपल और आसान है. इसके अंदर दो से अधिक लोग
मैक्सिमम 20 अगर आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, 10 अगर आप बैंकिंग रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, तो इतने लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं. उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा एवेन्यूज़ बढ़ जाते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है लोगों के बीच में, तो बिज़नेस को मेंटेन करना, काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है. देन अदर इशू इज, अदर एडवांटेज ऑल्सो ओवर हियर इज दैट द रिस्क एंड ऑल इज ऑल्सो शेयर बिटवीन पीपल, बिकॉज एक बंदे की रिस्क टेकिंग एपेटाइट और उससे ज़्यादा की रिस्क टेकिंग एपेटाइट में डिफरेंस होता है. नाउ डिसएडवांटेजेस, ये आपको लिस्ट थोड़ी ज़्यादा लंबी लग रही होगी, बट द डिसएडवांटेजेस, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है आपका दैट एज अ दैट अंडर अ पार्टनरशिप, अ सिंगल पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पर कमिट कर सकता है फॉर अ बिजनेस, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिकॉज ऑफ विच पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म उसके लाइबल हो जाती है. तो इन अ सेंस दैट अगर दो लोग की पार्टनरशिप फर्म है, ए और बी, और ए ने अगर कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं आपको गुड सप्लाई करूंगा और उसने नहीं करे और उसके चक्कर में 20,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो ये नहीं है कि वो नुकसान ए को ही होगा, वो नुकसान बी को भी उठाना पड़ सकता है. तो वो और वो बटेगा कैसे, वो डिसाइड होता है जो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने डिसाइड कर रखा है. अगर 50-50 है तो दोनों को 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर कुछ और रेशो है तो उस रेशो में उन्हें पैसे देने पड़ेंगे. देन अदर इशू इज़ दैट इन केस अगर आपके किसी पार्टनर को बिजनेस नहीं करना है या उसको किसी भी कारण के वजह से उसको बाहर जाना है या व्हाटएवर रीज़न में भी, वो आपको पार्टनरशिप फिर से डिसॉल्व करनी पड़ती है, आपको अपने पूरे अकाउंट सेटल करने पड़ते हैं, देन यू विल डू योर बिजनेस. सो दिस इज़ अगेन एन इशू जो सोल प्रोप्राइटरशिप से सिमिलर है. And the last issue over here, which is again similar to sole proprietorship, is that liability आपकी यहाँ पर भी unlimited है. It's not that कि partnership business, आप partnership में business कर रहे हैं तो जितना पैसा आपने partnership में लगाया है उतने पैसे पे ही आपकी obligation बैठती है. जैसे मैंने example दिया कि 20,000 रुपये का अगर आपने promise किया था किसी को गुड supply करने का और आपको वो आप पे केस करता है कि मेरे को 20,000 रुपये दो बिकॉज मेरे को नुकसान हुआ है आपके चक्कर में, और अगर आपने 5,000 रुपये बिजनेस में लगाए थे तब भी आपको उसको 20,000 रुपये देने पड़ सकते हैं, जो केस आपका कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ये अभी सबसे रीसेंट फॉर्म है बिजनेस करने का. इसके ये इट्स अ हाइब्रिड विद अ फ्लेवर ऑफ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप. इसमें दोनों के फैक्टर्स मिक्स हैं, इसमें दोनों के एडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी मिक्स हैं. सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं अभी डिस्टिंग्विश करूँगा पार्टनरशिप से इज इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप अगर कोई बिजनेस कर रही है उसकी आइडेंटिटी और उसके पार्टनर्स की आइडेंटिटी डिफरेंट है. तो जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल था, अगर आपने 20,000 रुपये का किसी को गुड सप्लाई करना थे और आपने नहीं करे, उसको नुकसान हुआ, और अगर वो आपको केस करता है आप पे और आपने पार्टनरशिप में 5,000 रुपये लगाए हैं, तो वो आपसे 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकता है, बिकॉज उससे ज़्यादा कि आपकी कैपिटल ही नहीं है बिज़नेस के अंदर जो आपका पार्टनरशिप में नहीं था. अनदर थिंग इज़ कि इसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंसेस इज़ वेरी लो कम्पेयर टू अ कंपनी. इसको आपको रजिस्टर कराना पड़ता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर. आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर कराओगे आप इसको, आपको एक सेपरेट नाम मिलेगा, आपको सेपरेट एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, आपके पार्टनर्स को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए. बट द कॉस्ट और जो उसमें खर्चा आता है और जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है इज़ नॉट टू मच. मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ जो इंजीनियर है और उसने अपने आप ऑनलाइन पढ़ के लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेटअप करी है विदाउट हेल्प ऑफ एनी लॉयर और एनी कंसल्टेंट. वो मेरे को कॉल कर करके पूछता था कि इसमें ऐसे करना है वैसे करना है, बट उसको कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि उसको ही कुडंट प्रोसेस और ही कुडंट प्रोग्रेस ऑन दैट फैक्ट पैटर्न. उसने अपने आप अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेटअप करी है. इस अनलाइक पार्टनरशिप, इसके अंदर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. यू कैन हैव एज मैनी एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स दैट यू मे वॉन्ट.
एंड सेकेंड लास्ट स्लाइड आपने देखा होगा कि एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब यह है दे हैव स्लाइटली मोर कंट्रोल इन मैनेजिंग द थिंग्स. उनके पास पावर थोड़ी ज़्यादा होती है कि कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैसे चलेगी, बिजनेस कैसे करेगी, उसके डिसीजन कैसे लिया जाएगा. उनकी पावर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. तो इवन दो ये एक हाइब्रिड है, ये पार्टनरशिप से बेहतर है और इसके अंदर आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मिलता है टू एन एक्सटेंट, बट एक इशू उसमें ये होता है कि जो आजकल ये आप सुनते होंगे कि स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, वो इशू इसमें आता है कि उसके अंदर लोग पैसा नहीं लगाते हैं बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सच कि द मनी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड. पैसा एक पार्टनर लगाता है. आपका जो इन्वेस्टर होता है वो आपका शेयर होल्डर ज़रूर होता है कंपनी में, बट ही इज़ नॉट अ पार्टनर इन अ टेक्निकल सेंस और इन अ वेरी क्रूड एंड रॉ फॉर्म. वो चाहता है कि उसके पास ओनरशिप हो बट उसके पास पार्टनरशिप वगैरह ना हो बिकॉज वो मैनेज नहीं कर सकता है वो चीज़ें. सिमिलरली बैंक को भी प्रॉब्लम होती है इसको लेंड करने में बिकॉज बैंक्स भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि इसका स्ट्रक्चर में कैसे होगा. अगर कल को लोन नहीं दे पाए तो वो पैसा कैसे रिकवर करेंगे, पार्टनर्स को कैसे सू करेंगे वो करेंगे. तो प्रैक्टिकली हमने देखा है दैट इन आर एक्सपीरियंस कि इसमें फंड रेजिंग में थोड़ा इशू होता है. सिमिलरली टू ट्रांसफ़र योर इंटरेस्ट, अगर ए और बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी और ए को छोड़ना है और सी को लेना चाहता है वो कंपनी में, बट टू ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट in partnership to see, that is also slightly complicated as a process and it is not very straightforward. Bahut zyada aasan nahi hai. Next is company. Company everyone, aap sabko, aap roz ye padhte ho news mein, ye har jagah apna publicize hota hai, bahut glamorous lagta hai sunne mein ki maine company start kari hai, main usme business karunga and all, but couple of things jo aapko usme dhyan rakhna padta hai is that company ka जो आपका खर्चा आता है उसको सेटअप करने में, जो खर्चा आता है आपको उसको मेंटेन करने में, थोड़ा ज़्यादा होता है. उसका रीज़न ये है दैट ये आपको कंपनीज एक्ट एक है लॉ, उसके अंदर आपको इसको रजिस्टर करना पड़ता है, उसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं आपको फॉलो करना पड़ता है. चाहे आप उसमें किसी से पैसा लो, किसी को पैसा दो, आप अपनी मीटिंग करो जो आपके ओनर्स हैं या जो आपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं आप उनकी मीटिंग्स वगैरह करो, आपको उसके लिए प्रोसेसेस फॉलो करनी पड़ती हैं. जो कि हम बहुत टाइम देखते हैं कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑल, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है बिकॉज उनका ध्यान पूरे टाइम पे बिजनेस मेंटेन करने पे होता है. उनके पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं होता है दैट दे कैन लुक आफ्टर कि कौन से प्रोविजन के अंदर मेरे को कैसे क्या करना था. वो चीज़ें करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है. बट द गवर्नमेंट का फोकस इस पर बहुत ज़्यादा है कि इसको थोड़ा आसान करा जाए, इसको सिंपल करा जाए, जो गवर्नमेंट कर रही है, बट स्टिल इट इज़ स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अदर ऑप्शन दैट वी हैव डिस्कस. बट एट द सेम टाइम ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत देता है टू डू योर बिजनेस, टू ग्रो योर बिजनेस. सो फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मीनिंग दैट आपकी आइडेंटिटी और बिजनेस की आइडेंटिटी इज डिफरेंट. आप जब अपना बिजनेस कर रहे हो एक कंपनी को खोलकर और उसके थ्रू, देन यू डोंट हैव टू बी पर्सनली लाइबल फॉर दैट बिजनेस. आपने जितना पैसा कंपनी में लगाया है कंपनी की लाइबिलिटी उतनी ही है, आपकी लाइबिलिटी कंपनी की तरफ उतनी ही है. अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 10,000 और 20,000 वाला, अगर आपने 10,000 लगाए और 20,000 की ऑब्लीगेशन आती है तो आप 10,000 रुपये से ज़्यादा आपकी कोई ऑब्लीगेशन नहीं बैठती है. अगर वो चाहता है तो वो कंपनी को कोर्ट ले जा सकता है, बट उसको उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा नहीं. देन ये फर्स्ट दो पॉइंट हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस. सो लाइक मैंने बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका बिजनेस कंटिन्यू रहता रहे. अगर कोई बंदा वो बिजनेस छोड़ना चाहता है या किसी की डेथ हो जाए, वो आसानी इसमें है बिकॉज कंपनी के अंदर आपकी ओनरशिप कैसे होती है, आपकी ओनरशिप होती है शेयर्स में. तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड, कंपनी के अंदर देर इज़ अ शेयर कैपिटल, मतलब आप कंपनी में कितना पैसा लगा रहे हैं उसके बदले आपको शेयर्स मिलते हैं. तो मिनिमम दो लोग होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए. उसके अंदर आपको दो लोग अगर 10-10 रुपए लगा रहे हैं तो उन्हें 20 रुपए की कैपिटल है और कंपनी 10-10 रुपए के दो शेयर्स इशू करेगी. सो कंटिन्यूटी इन द बिजनेस, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस ऐसे डेवलप होता है दैट अगर एक ही डेथ हो रही है तो
तो वो शेयर्स उसके बच्चों के पास चले जाएंगे ऑटोमेटिकली अंडर लॉ, तो वो कंपनी का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता है. अगर उसको बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, उसको बिजनेस किसी और को बेचना है, तो वो अपने शेयर्स किसी और को बेच सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनदर फैक्टर इज दैट जो आपका अभी पॉइंट मैंने डिस्कस करा कि आपको फंड रेजिंग करनी है प्राइवेट इक्विटी से, एंजल इन्वेस्टर से या वेंचर कैपिटल से, तो वो भी ऐसे ही करते हैं. वो आपकी कंपनी में पैसा डालते हैं और कंपनी उन्हें शेयर्स इशू करती है. सो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस आपका यहाँ पे पॉसिबल है. नेक्स्ट पॉइंट वॉज शेयर्स आर ट्रांसफरेबल एंड ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा दैट ये होता कैसे है. नेक्स्ट पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि थोड़ा महंगा है इसको इनकॉर्पोरेट करना है, इसको चलाना, इसका मेंटेन करना इसको थोड़ा महंगा है. एंड लास्ट इज पब्लिक डिस्क्लोजर. सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट. सो कंपनी के अंदर जो आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, कंपनी में कितनी शेयर कैपिटल है, ये आप ऑनलाइन जाकर MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, चाहे विदाउट पेइंग एनीथिंग. आपको बस कंपनी का नाम पता होना चाहिए और आपको वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. इवन मोर, आप अगर इफ़ यू पे 50 rupees ऑन दैट वेबसाइट, देन यू कैन डाउनलोड ऑल द डिटेल्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इन आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, जो उसके बायलॉज हैं कि कंपनी कैसे बिजनेस चलाएगी, कंपनी की बैलेंस शीट्स, कंपनी की मीटिंग्स की कैसे क्या क्या हुई थी, कंपनी ने एक्शंस क्या क्या लिए थे. ये इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिकली एंड रेडिली अवेलेबल मिल जाएगी बाई पेइंग 50 rupees. सो दैट इज़ पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ योर इन्फॉर्मेशन. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं विच इज़ वेरी सेंसिटिव इन नेचर, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करनी है, देन दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको पब्लिक डिस्क्लोजर को आप कैसे उसको सेटिस्फाई करोगे इवन आफ्टर हैविंग अ कंपनी. सो दिस बिकम्स अ लॉट ऑफ टाइम्स इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. एंड हमारे पास बहुत बार आते हैं केसेस जब वो बोलते हैं कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करनी है, बट हमें बिजनेस को बढ़ाना है, हमें उसको ग्रो करना है, तो हम कैसे करें. तो इसको फाइन ट्यून बैलेंस वगैरह हमें करना पड़ता है, जिसके डिफरेंट तरीके हैं. जैसे आप बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ें आप कॉन्फिडेंशियल रख लीजिए, कुछ चीज़ों को आप डिस्क्लोज मत करिए जो अंडर लॉ में परमिटेड हैं एंड विच यू कैन यूज, विच अ लॉयर कैन हेल्प यू विथ. नेक्स्ट इज वन पर्सन कंपनी. ये कॉन्सेप्ट पहले UK और US में बहुत पॉपुलर था, दैट कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के बजाय एक बंदा अपनी कंपनी सेटअप करे ताकि उसकी लाइबिलिटी उस कंपनी में कम हो जाए. एंड इफ़ ही वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, या उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो वो बिजनेस के शेयर्स किसी और के पास जाकर वो बिजनेस फिर से कैरी ऑन कर सकते हैं. द प्रॉब्लम इज दैट ये फॉर्म ऑफ बिजनेस अभी तक पॉपुलर नहीं हुआ इंडिया में बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेज एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस. इसकी कॉस्ट आपको उतनी ही आती है मोटा मोटा जितना आपको एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में आती है और उसको मेंटेन करने में आती है. बट ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. तो आपको अगर आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले रहे हैं, या अगर आप अपने किसी दोस्त की हेल्प ले रहे हैं जिसको कंपनी के बारे में पता है, जिसकी खुद की कंपनी एंड ऑल है, वो आपको सीधे से इस पर गाइड नहीं कर पाए शायद से, एंड आपको थोड़ा उसमें ज़्यादा इशू महसूस हो. नेक्स्ट इज कंप्लायंसेस. द कंप्लायंसेज का मेरा इससे व्हाट आई वांट टू डिस्कस ओवर हियर इज कि एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में कंप्लायंसेज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं. जैसे मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, एक कंपनी को चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, आपको MCA के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है. उसके लिए आपको MCA को फीस देनी पड़ती है, आपको एनुअल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, आपको अपनी बैलेंस शीट अपलोड करनी पड़ती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी अपनी मीटिंग्स करते हैं उसका एक रिकॉर्ड फाइल करना पड़ता है कि उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था, शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसके रिकॉर्ड फाइल करने होते हैं. मिनिमम एक शेयर होल्डर्स मीटिंग हर साल आपको करनी होती है टू अप्रूव द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जो भी जो आपको अगेन अपलोड करने पड़ते हैं. तो ये थोड़े कंप्लायंसेस इशू क्रिएट करते हैं बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स जब बिजनेस स्टार्ट होता है पीपल आर नॉट टू इन्फॉर्म्ड अबाउट दीज थिंग्स, एंड इवन इफ दे आर इन्फॉर्म्ड उनके पास इसके लिए टाइम नहीं होता है. बिकॉज एक बंदा अपना बिजनेस जो भी स्टार्ट करना चाहता है, जिसने अपने पूरे पैसे लगा रखे हैं, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये कंप्लायंसेस के बारे में पूरा करना और अपना ध्यान बिजनेस से हटाना, बिकॉज आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं शायद से कि आप एक और इसके लिए डेडिकेटेड एक रिसोर्स रख सकें. और अगर आपके पास पैसे होंगे भी, आप ट्राई करोगे जो आपका बिजनेस है उसके लिए आप किसी और एक एम्प्लॉय को रखें. नेक्स्ट इज LLP. जैसे मैंने बताया LLP के अंदर खर्चा कम है,
And it gives you a benefit of company also without making your liability unlimited, जो कि केस होता है आपका पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में. बट अगेन इशू इसमें यह आता है कि आपको इसमें लोन मिल पाए नहीं मिल पाए, आपको फंड रेजिंग इस पर हो ना पाए, वो इशू इसमें रहता है. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप. इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. पार्टनरशिप कैन बी अनरजिस्टर्ड, बट पार्टनरशिप इफ़ यू वॉन्ट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो इसका लॉ है. बट इट डजेंट मीन कि अगर आपने रजिस्टर नहीं करी है तो आपकी पार्टनरशिप लीगल या वैलिड नहीं है उसका. एंड यू कैन हैव एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग कैसे रहेगा, पावर किसके पास क्या रहेगी. और यू कैन ऑल्सो हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट विदाउट अ नीड ऑफ अ लॉयर. आप खुद लिख सकते हो कि ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, प्रॉफिट शेयरिंग इस रेशियो में होगा 20-80-50-50-70-30 एंड दैट इज़ फाइनल. दैट विल बी एज गुड एज अ डॉक्यूमेंट मेड बाय अ लॉयर एंड यू डोंट इवन नीड टू रजिस्टर इट. एंड सोल प्रोप्राइटरशिप लाइक आई सेड, आपको कोई इसमें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन नॉर्मली एंड स्ट्रेट अवे स्टार्ट योर बिजनेस. नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑन लेबर लॉ कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस एंड अदर एप्लीकेबल स्टैट्यूट्स. सो इसका मतलब ये है, लेबर लॉ में क्या होता है, आपको अगर आप एक शॉप से स्टार्ट करते हैं तो अंडर लॉ आपको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एक लॉ है, उसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है, आपको उसको डिटेल देना पड़ता है, रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं. टैक्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कंसल्टेंसी कर रहे हो, आपको GST लाइसेंस लेना पड़ेगा. देन इस टाइप के आपको, जिस टाइप का आपका बिजनेस है उस टाइप के आपको लाइसेंसेस वगैरह लेने पड़ेंगे. ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी हमने डिस्कस करा ही था अभी. नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो आपका है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंसिंग. आई डोंट नो कि आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके अंदर एक बिजनेस को अपना फंड रेजिंग करती है और वो पैसे रेज करती है. फर्स्ट वन है बूटस्ट्रैपिंग. बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये है कि आप अपनी जितनी भी सेविंग्स होती है उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं. आप अपने आप यार आपके दोस्त जो साथ में मिलकर काम करते हैं, आप अपना पूरे की पूरी सेविंग उसमें लगा देते हैं और आप मिनिमम टू मिनिमम उसमें खर्चा करते हैं, उसका मतलब होता है बूटस्ट्रैपिंग. सेकंड इज फ्रेंड्स एंड फैमिली वेर इन जहाँ पे आपको वो थोड़ा पैसा लोन पे देते हैं या आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं. बिकॉज सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी एज एन आउटसाइडर उन्हीं को आपके बिजनेस के बारे में होती है, आप सबसे ज़्यादा ईजिली उन्हें कन्विंस कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज एंजल कैपिटल. जैसे हम यहाँ पर हैं टाई के अंदर, लॉट ऑफ टाइम्स इन्वेस्टर आते हैं, दे लाइक एन आइडिया, बट द कंपनी जस्ट स्टार्ट हुई होती है, एक वेंचर जस्ट स्टार्ट हुआ होता है, तो स्टेज पे एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं जो बहुत ही अर्ली आकर लाइक कंपनी के जैसी कंपनी स्केल अप करना चाहती है या उसकी ग्रोथ थोड़ी स्टार्ट होती है उस स्टेज पे एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं. जैसे कंपनी के ऑपरेशंस थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं, जो कंपनी थोड़ी ज़्यादा मैच्योर होती है, उसका प्रोडक्ट थोड़ा स्टेबलाइज होता है और एक्सेप्टेंस वगैरह मिलती है, देन द नेक्स्ट स्टेज इज वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल इज समथिंग जो आपने बहुत सुना होगा कि ऑल दीज कंपनीज अर्ली ऑन आकर आपका स्टेक ले लेती हैं एंड दे टेक लॉट ऑफ राइट्स एंड ऑल. तो वो आपका वेंचर कैपिटल में होता है. विद इन एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि आपको क्या क्या राइट्स उनको देने हैं और क्या क्या राइट्स आपको मेक श्योर करना है कि उनके पास टोटली पावर ना हो. नेक्स्ट इज वेंचर डेट. ये एक नया प्रोडक्ट, इफ आई कैन से, एक नया ऑप्शन है टू रेज मनी. वेर इन आजकल बिजनेसमैन हैव ऑल्सो बिकम वेरी स्मार्ट. वेर इन दे डोंट वॉन्ट टू गिव अप लॉट ऑफ स्टेक इन देयर कंपनी. उनको लगता है मेरी कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, आप मेरे को 15 करोड़ दे रहे हो, 10 करोड़ दे रहे हो, बट मेरे को वो 15-10 करोड़ के लिए मेरे को अपनी इक्विटी देनी है. मेरे बिजनेस के अंदर इनकम आ रही है, मैं आपसे लोन लूँगा, आपको लोन रीपे करूँगा, बट मैं 50% कंपनी का मालिक हूँ, मैं 50 ही रहूँगा, मैं 40 नहीं बनूंगा, मैं 35 नहीं बनूंगा, ठीक है, तो मैं उसके अंदर आपको पे करूंगा. बट दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ लोन, बिकॉज उनको लगता है कि हमें 12%, 13%, 14% रिटर्न नहीं चाहिए. जो इन्वेस्टर होता है उसको होता है कि आपकी कंपनी की आज वैल्यू अगर 10 करोड़ है और आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, कल को आपकी वैल्यू 100 करोड़ होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप मेरा पैसा यूज़ करोगे, 200 करोड़ होगी, तो मेरे को उस वैल्यू का भी बेनिफिट मिलना चाहिए. तो उसमें क्या करता है, वो थोड़े से शेयर ले लेता है, और ताकि वो 10 करोड़ की वैल्यू पे उसको थोड़े से शेयर मिल जाते हैं, जब अगर आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है उसको बेच के वो प्रॉफिट कमा सकता है.
नेक्स्ट स्टेप है प्राइवेट इक्विटी. प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है, जब आपकी कंपनी बहुत स्टेबलाइज हो जाती है, बिजनेस आपका काफ़ी अच्छे से चलने लगता है, तब मैच्योर्ड आप इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में आते हैं, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से, आप मतलब एक बिजनेसमैन बहुत अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं कि उसको क्या क्या राइट देने हैं, क्या क्या राइट नहीं देने हैं. उसके उसको अपने बिजनेस पे भरोसा है, उसको पता है कि मेरे को पैसे, अगर मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो पैसे लेने हैं, बट मेरे को इट इज़ नॉट समथिंग डू और डाई कि अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो मैं अपना बिजनेस चला ही नहीं पाऊँगा. और वो इन्वेस्टर्स को भी पता होता है, तो इन्वेस्टर्स भी आपसे बहुत सिस्टमेटिकली राइट्स नेगोशिएट करते हैं, जो शायद से आप वेंचर कैपिटल में नहीं कर पाते. नेक्स्ट है मेज़नाइन. मेज़नाइन का मतलब होता है स्ट्रक्चर डेट, या आप उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेडली आप लोन लेते हो ताकि आपकी जो बिजनेस है और आपका जो अर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है, बट एट द सेम टाइम आपको सामने वाला लोन देने को भी तैयार होता है. जैसे मैंने बताया था वेंचर डेट, उसके अंदर आप उसके अंदर इक्विटी कर दोगे कि मैं आपको 12-13% दूंगा, बट अगर मेरा बिजनेस की थोड़ी वैल्यू बढ़ी तो मैं आपको एडिशनल इंटरेस्ट दूंगा 2-3% का, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर बढ़ गया और उसका लोन है, तो उसको भी इस बात की टेंशन नहीं है कि मेरे को पैसा पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो दैट इज मेज़नाइन. एंड लास्ट ऑप्शन ओवर इज IPO और एग्जिट. IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. कंपनी के शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करोगे. आजकल आपने देखा ही होगा न्यूज़ में कि बहुत सारी कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट कर रही हैं एंड दे हैव बीन मेकिंग गुड प्रॉफिट्स ऑन दोज. तो इसका मतलब ये होता है दैट कंपनी के ऑपरेशंस इतने मैच्योर हो गए हैं कि उनको पब्लिक से डायरेक्टली वो पैसा उठाने के लिए उनके पास कॉन्फिडेंस है. उनका प्रोडक्ट इतना स्टेबल है, उनकी अर्निंग इतनी स्टेबल है कि दे नो कि एक पब्लिक जो इसको मैं एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मेरी सेल्स इतनी है, मेरे टारगेट्स इतने हैं, मेरे ऑपरेशंस यहाँ यहाँ पर हैं, वो भी मेरे को पैसा देगा. तो वो होता है आपका IPO. दूसरा ऑप्शन आपका एग्जिट का ये है, अगर आपके वेंचर कैपिटल स्टेज में आपकी कंपनी में किसी ने पैसा डाला था या प्राइवेट इक्विटी में डाला था, आप उसका स्टेक या तो खुद खरीद लो बिकॉज आपने इतना पैसा कमाया अपने खुद बिजनेस से, या कंपनी उसके स्टेक को रिडीम कर दे. कंपनी के अंदर अगर पैसा है और आपके पास एज अ प्रमोटर पैसा नहीं है, या उसका स्टेक कोई और एक इन्वेस्टर खरीद ले, तो आपकी ऑब्लिगेशन, एक बिजनेसमैन की ऑब्लिगेशन उस इन्वेस्टर के तरफ ख़त्म हो जाती है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, मतलब आई हैव जस्ट क्रिएटेड 9 boxes टू शो की एक स्टेज क्या होती है, एक प्रोसेस क्या होती है जिसके अंदर एक फंड रेजिंग होती है. सबसे पहली स्टेज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टारगेट. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टारगेट का मतलब ये है, एक इन्वेस्टर ढूंढता है कि उसको कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, उसको कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है. उसको ट्रैवल इंडस्ट्री में लगाना है, उसको फूड इंडस्ट्री में लगाना है, उसको मैन्युफैक्चरिंग में लगाना है. तो उस बेसिस पे वो एक टारगेट ढूंढते हैं जो एक डेवलपिंग है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसके अंदर वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट उस कंपनी से वो डिस्कशन करते हैं कि हम आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हैं पैसा लगाने के लिए, आप हमें थोड़ी अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप हमें अपने बिजनेस के बारे में बताइए. तो उसे कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ अ टारगेट. इस स्टेज पे जनरली बिकॉज आपका बिजनेस है थोड़ा यूनिक है, इट इज़ नॉट समथिंग जो वेरी कॉमन है, वॉट दे डू इज दैट दे एज अ बिजनेसमैन वॉट यू शुड डू, यू शुड साइन एन अग्रीमेंट विद दैट इन्वेस्टर विच इज़ कॉल्ड अ नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए है, आप इस इन्फॉर्मेशन को किसी को सामने दोगे नहीं, किसी के साथ आप शेयर नहीं करोगे. और जब अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा इसमें, तो आप जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है आप उसे डिलीट कर दोगे, आप उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे. नेक्स्ट इज प्राइम डील नेगोशिएशन एंड ऑल. डील नेगोशिएशन में उसको अगर आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आपको एज एन इन्वेस्टर वो अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरे को अपनी कंपनी मेंटेन करने देगा, ये ज़्यादा उसमें दखल नहीं करेगा, तो आप नेगोशिएट करते हो कि आप कितना पैसा डालोगे कंपनी में, आपको कितना परसेंट स्टेक चाहिए कंपनी में, आप कितने डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो. तो वो होता है आपका बेसिक एंड फर्स्ट डिस्कशन. देन आती है एक टर्म शीट होता है आपका एक सिंपल 1 pager और 2 pager, जिसके अंदर आप डिसाइड करते हो ब्रॉड टर्म्स आपके इन्वेस्टमेंट की, कि पैसा कितना आप लोगे, आप स्टेक कितना उसको दोगे, आप उसको कितने डायरेक्टर्स की राइट दोगे, आप उसकी एग्जिट कैसे उसको एग्जिट कैसे दोगे इसके इन्वेस्टमेंट में, कि आप 5 साल में 7 साल में आपको लगता है कि आपकी कंपनी IPO हो जाएगी तो IPO के थ्रू एग्जिट होगा, और उस टाइप की थोड़ी उसमें हाई लेवल चीज़ें आती हैं. यू डोंट, आप उसमें बहुत डिटेल में या ग्रैनुलर नहीं जाते हैं, बहुत हाई लेवल रखते हैं चीज़ को 1 या 2 pages के अंदर.
नेक्स्ट होता है ड्यू डिलिजेंस. ड्यू डिलिजेंस में इन्वेस्टर एक सीए फर्म को रखकर, एक लॉ फर्म को रख के आपके बिजनेस के बारे में बहुत डीप स्टडी करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, आपके बिजनेस की आपका कंप्लायंस लेवल कैसा है. बिकॉज अगर कोई सामने से 5 करोड़ या 10 करोड़ लगाएगा, उसको ये इंश्योर करना है कि कल को गवर्नमेंट आप पे क्लेम ना कर दे कि आपने टैक्स नहीं पे कर रखा, और आप और जो उसने 10 करोड़ लगाया पूरा का पूरा गवर्नमेंट को पेनल्टी में पे करना पड़े, तो बिजनेस कंपनी के पास बिजनेस करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा. और कल को ये नहीं होना चाहिए कि प्रमोटर के ऊपर कोई केस आ रखा है कि प्रमोटर कंपनी मेंटेन ही नहीं कर सकता, कंपनी को रन ही नहीं कर सकता. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो ड्यू डिलिजेंस के अंदर एक लॉयर, एक सीए फर्म उसको हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने की, कि उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही से मेंटेन्ड है या नहीं है, उसने इनकम अपनी सही से दिखा रखी है, उसने अपनी लायबिलिटी सही से दिखा रखी है, उसने अपने एसेट सही से दिखा रखे हैं. नेक्स्ट इज डेफिनेटिव अग्रीमेंट्स. मतलब आप एक अग्रीमेंट उससे अग्रीमेंट साइन करते हैं कि मैं आपसे इतना पैसा ले रहा हूँ, ये उसके टर्म्स हैं, आपका पर शेयर प्राइस इतना होगा, आपको स्टेक इतना मिलेगा, मेरे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन ये है, और आगे उसको कैसे मेंटेन करेंगे. नेक्स्ट उसके बाद होता है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब आप और वो साथ में मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं, उनका दखल बहुत हाई लेवल पर रहता है टू मेक श्योर कि आप पूरा पैसा एक जगह नहीं लगा रहे हैं, आप सही से उसको खर्च कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट होता है एग्जिट की. आप वो अपने जो वो सामने से 5 करोड़ 10 करोड़ लगा रहे हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उसका 20, 30 या 40 करके जाए, तो वो उनको एग्जिट कैसे मिले. या तो कंपनी उनके शेयर्स खरीदे, या तो प्रमोटर उनके शेयर्स खरीदे, या उनको आईपीओ करें, जो हमने अभी डिस्कस किया था. ये अभी पॉइंट्स हमने हाई लेवल डिस्कस करे. नेक्स्ट इज ये भी हमने डिस्कस करा कि आप क्या क्या उनसे डिस्कस करोगे, आप अपनी कंपनी की वैल्यू कितनी लगाओगे, बिकॉज कंपनी की वैल्यू के बेसिस पे उनका स्टेक डिटरमाइन होता है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कंट्रोल, कि मैनेजमेंट किसके पास में रहेगा. ये नहीं कि आप वो सामने से 5 करोड़ या 10 करोड़ लगा रहे हैं तो इस चक्कर में सारे डायरेक्टर्स वो अपॉइंट कर रहे हैं और आप अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बन गए. नेक्स्ट इज प्रमोटर एम्प्लॉय इंसेंटिव. हमने बहुत सारे ऐसी डील्स भी देखी हैं कि सामने वाले ने 15 करोड़ लगाया और उसके वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल 15 की वैल्यू 100 करोड़ हो गई, तो उसको वो लगता है कि अब मेरे को प्रमोटर को भी इंसेंटिव करना चाहिए, प्रमोटर को थोड़े और शेयर्स देने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट या 10 रुपये या 20 रुपये पे, ताकि प्रमोटर को भी लगे कि उसके बेनिफिट में भी है कंपनी को और बढ़ाते रहना, खाली वो इन्वेस्टर के लिए ही नहीं कर रहा है सब कुछ. तो वो प्रमोटर और एम्प्लॉय इंसेंटिव हो सकता है. नेक्स्ट इज एग्जिट होराइजन. मतलब कि वो एग्जिट उसको कितने साल में देनी है आपको, 5 साल 7 साल 3 साल 2 साल, बिकॉज दैट विल ऑल्सो डिटरमिन कि आपने कि जो पैसा उसने आपकी कंपनी में लगाया है आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो, आप उसके कितनी फ्लेक्सिबिलिटी से यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज एग्जिट राइट, कि आप डिसाइड करोगे कि उसको एग्जिट कैसे दोगे, या वो डिसाइड करेगा, या आप दोनों डिसाइड करोगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. लास्ट इज डाउनसाइड प्रोटेक्शन. वन इसमें ये होता है कि अगर उसने आपकी कंपनी में पैसा लगाया 10 करोड़, ये सोच के कि आपकी कंपनी 100 करोड़ की है, मीनिंग उसको 10% स्टेक मिला, और आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चला और आपकी बिजनेस की वैल्यू 50 करोड़ रह गई, तो यानी उसके स्टेक की वैल्यू 5 करोड़ रह गई है. इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं कि मेरे को उस सिचुएशन में आप प्रोटेक्ट करो, मेरे वैल्यू लॉस नहीं होना चाहिए, तो उस एज में आपके या तो उनको शेयर्स और इशू करो, या आप फ्री शेयर्स इशू करो, या बोनस शेयर्स इशू करो, तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसमें. ये अभी हमने डिस्कस करा टर्म शीट के अंदर क्या आता है, ड्यू डिलिजेंस भी हमने थोड़ा डिस्कस करा. मैं हाई लेवल आपको बताता हूँ कि एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, और अगर एक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर आता है तो उसमें पैसा कैसे लगाता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं. फर्स्ट होता है आपका शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट. शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट के अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं कि इन्वेस्टर कितना पैसा डाल रहा है, इन्वेस्टर किस प्राइस पे पैसा डाल रहा है, मतलब प्राइस इन टर्म्स ऑफ पर शेयर प्राइस एंड कंपनी की वैल्यूएशन, इन्वेस्टर को उसके अंदर कितने इन्वेस्टर की टर्म्स क्या हैं उसमें. टर्म्स का मतलब ये होता है वो आपसे रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी मांगता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि आपका बिजनेस सही तरीके से चल रहा है, आपने जो लॉज आपको एप्लीकेबल हैं आपने वो फॉलो कर रखे हैं, तो आपको वो स्टेटमेंट देने पड़ते हैं. नेक्स्ट अगर उसने ड्यू डिलिजेंस करी और उसको पता लगा कि आपने कुछ नॉन कंप्लायंस कर रखे हैं जिसको आप पेनल्टी दे के सही कर सकते हैं, तो वो कंडीशन डालेगा कि मेरे से पैसा लेने से पहले या मेरे से पैसा लेने के 10 दिन में 15 दिन में 1 महीने में आप उनको सही करेंगे,
तो वो होता है ड्यू डिलीजेंस वाले इश्यूज. नेक्स्ट होता है इंडेमनिटी. जैसे अगर आपने बोला कि आपकी कंपनी की सेल्स 100 करोड़ है बट आपकी कंपनी की सेल्स 80 करोड़ थी, उस जिस चक्कर में उसने वैल्यूएशन आपकी कंपनी की थोड़ी ज्यादा लगाई थी और जो अब कम हो गई है, तो उस चक्कर में उसको वो आपसे इंडेमनिटी मांगेगा कि आपने जो मेरे को गलत चीज बताई है, जिस चक्कर में मैंने लॉस सफर करा है, तो आप मेरे को उसके लिए कंपनसेट करो. तो वो इंडेमनिटी के थ्रू होता है. नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर स्केड्यूल. डिस्क्लोजर स्केड्यूल का मतलब ये होता है जब उसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोल रहे हो कि मेरे कंपनी में सारे कंप्लायंसेस हैं, मैंने सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह ले रखे हैं, बट अगर आपको याद है कि एक महीने की मेरी फाइलिंग सही से नहीं हुई है, तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो कि मेरी एक महीने की फाइलिंग सही से नहीं हुई है बट बाकी सब कुछ सही है. तो डेट इज डिस्क्लोजर स्केड्यूल. लास्ट है यूज ऑफ प्रोसीड्स. यूज ऑफ प्रोसीड्स का मतलब यह है जो आपने उससे फंड रेज करे हैं, जो आपने उससे जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा है, आप उसको इस्तेमाल कैसे करोगे. आप एक नए प्रोडक्ट में इस्तेमाल करोगे, नए टेरिटरी में उसको बेचोगे, या एक नया प्रोडक्ट बनाओगे, या कैसे उसको यूज करोगे, दैट इज यूज ऑफ प्रोसीड्स. नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट. शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट के अंदर आपके जो राइट्स होते हैं और जो आपकी आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है बट वो आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे देख रहा है, उसको क्या क्या राइट मिलेंगे, उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको क्या क्या कितने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, वो सब आपका शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में आता है. एक और चीज़ जो इसमें आती है, जो थर्ड लास्ट ऑप्शन है, वीटो मैटर्स. जब तक इन्वेस्टर नहीं आता है, आप ही अपने बिजनेस के सारे डिसीजन ले रहे होते हो, चाहे वो थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव लगें या कंजर्वेटिव लगें या डिफरेंट जो भी लगता है, बट यू आर द वन जो सब कुछ डिसाइड कर रहा होता है. इन्वेस्टर आने के बाद इन्वेस्टर चाहता है कि जो क्रिटिकल डिसीजन है, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल डिसीजन है, वो उसे अप्रूव करके लिए जाएँ. ये डिसीजन आप अकेले मत लीजिए. दैट इज़ वॉट वीटो मैटर्स मीन. कि अगर आपने 10 करोड़ से ज़्यादा का लोन लेना है, अगर आपको 5 करोड़ से बड़ी लिटिगेशन करनी है, कोई किसी पे केस करना है, अगर आपको 15 करोड़ से बड़ी मशीन खरीदनी है, या अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो आप इन्वेस्टर से पूछ के करेंगे. बिकॉज इन्वेस्टर को भी एक राइट होता है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है, वो आपको पता है. नेक्स्ट इज आपका इसमें इम्पॉर्टेंट एक है डेडलॉक. डेडलॉक का मतलब यह है कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए उससे परमिशन मांगी और उसने मना कर दी, तो उस केस में क्या होगा. अगर आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है बट इन्वेस्टर ने बोल दिया कि नहीं, आप इतना लोन नहीं ले सकते, आप ये मशीन नहीं इंस्टॉल कर सकते, आप ये नया प्रोडक्ट नहीं ट्राई कर सकते, देन वॉट. आप उसके अंदर डिफरेंट तरीके ये होते हैं कि आपने एक बार अगर उसने मना करा ठीक है, दूसरी बार भी उसने सेम चीज़ के लिए मना करा, देन यू विल हैव अ डिस्कशन विद हिम, डिटेल डिस्कशन वेर इन यू कैन आस्क कि आपके क्या क्या रीज़न है, आप कैसे चाहते हो कि मैं अपना बिजनेस चलाऊँ. बिकॉज उनके पास भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. सो दैट मे ऑल्सो बी अनदर फैक्टर फॉर यू टू कंसिडर. ये सब चीज़ें ब्रॉडली शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में आती है. लास्ट एक आपका है लोन अग्रीमेंट. लोन अग्रीमेंट इज अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो, किसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो NBFC होती है उससे ले रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है. आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा या आपको वेरिएबल इंटरेस्ट मिलेगा. मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी की सेल अगर 10 करोड़ के बजाय 15 करोड़ हो गई, तो वो बोलेगा कि मेरे को 2% इंटरेस्ट ज़्यादा दो ताकि मेरे को वैल्यूएशन मिल जाए, बट वो इनिशियली रेट कम रखेगा. देन आपका आजकल बहुत सारे लोन देने के लिए जो NBFC होती हैं और जो बैंक्स होते हैं, वो भी बोलते हैं कि मैं अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा कंपनी में, ताकि मेरे को पता रहे कि अब कंपनी क्या डिसीजन ले रही है और कैसे उसको फॉलो कर रही है. लास्ट इज सिक्योरिटी. बैंक्स जब भी लोन देते हैं वो एक सिक्योरिटी के बेसिस पे ही देते हैं. दे विल नॉट गिव मनी विदाउट यू गिविंग एनी सिक्योरिटी टू देम. तो उसमें आप प्लेज ऑफ शेयर्स दोगे, उसके अंदर आप अपनी मशीन पे प्लेज करोगे, उसमें आप ज़मीन अपनी मॉर्गेज करोगे, तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं. एंड लास्ट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अगर आपके बीच में और उनके बीच में अगर कोई
लड़ाई हो गई इन द सेंस दैट अगर आपने पैसा नहीं दिया सही टाइम पे और उन्होंने आप पे केस फाइल करा तो वो केस कैसे एड्रेस होगा, वो आपका कोर्ट्स में होगा या आर्बिट्रेशन में होगा. सो ये दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इन अ लोन अग्रीमेंट. सो दिस वॉज माई प्रेजेंटेशन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो. अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उन सवालों के जवाब देने के लिए दीपांशु जी आपके सामने खड़े हैं. वो जनता को ही जनार्दन मानते हैं, आप ही उनके इस समय माय लॉर्ड हैं. अगर आपके कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं. वेंकटेश जी आपका कोई सवाल? नहीं नहीं, कोई एक सवाल तो बनता है ना, सबकी ओर से एक सवाल. अब हम समाप्त. यस, आपका सवाल है. सो मिनिमम वैल्यू नहीं सर, सवाल लोगों तक नहीं पहुंचा. शेयर मार्केट में कंपनी लाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, कंपनी की कितनी या वैल्यू कितना होना जरूरी है? शेयर मार्केट में कंपनी के आने के लिए अगर मेरे को सही से याद है तो करीबन 500 करोड़ की उसकी वैल्यू वगैरह होनी चाहिए जब वो आती है. बट आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे टाइम क्या होता है, कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक को तब उसकी वैल्यू शायद 500 करोड़ हो, बट बाद में अगर उसका बिजनेस कम हो जाए या उसका बिजनेस में नुकसान हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. तो आपको बहुत सारी कंपनी ऐसे मिलेंगी शेयर बाजार में जिनकी वैल्यू आज 100 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, बट उनके शेयर्स भी लिस्टेड हैं. तो उस पर भी गवर्नमेंट अब ट्राई कर रही है कि वो इंश्योर कर सके कि हर टाइम पे आपकी वैल्यू एक अमाउंट से ऊपर है, बिकॉज आपको डिस्क्लोजर्स बहुत करने पड़ते हैं और आपके बिजनेस के भरोसे पे लोग शेयर्स खरीदते हैं. तो अगर आपका बिजनेस नीचे जा रहा है देन आपकी कंपनी को भी डीलिस्ट कर दिया जाए. हाँ, तो उस केस में आपको आप उनसे लोन ले सकते हैं जिसके अंदर आपकी कंपनी के आपके स्टेक और आपकी जो ओनरशिप है वो कम नहीं होगी, बट आपको पैसा मिल जाएगा और आप उनको एक फिक्स रिटर्न पे वापस कर देंगे तो उनको भी 10% 15% का रिटर्न मिल जाएगा उनके इन्वेस्टमेंट में, बट आपकी कंपनी भी पूरे टाइम पे आपकी ही रहेगी. दोनों में से एक ही हो पाएगा.